नमस्कार अजीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और अभी लाल सिंह चड्ढा एक मूवी आई है आमिर खान की बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, क्योंकि लास्ट मूवी थग ऑफ हिंदुस्तान आई थी 2018 में, तो उसके बाद से ये उनकी दूसरी मूवी आ रही है। और इस पे जो लोगों ने पहले से आह्वान कर रखा था कि इस मूवी को बॉयकॉट किया जाए, और इसके वजह से आमिर खान ने जब मूवी रिलीज होने पे थी उस समय कहा था कि आप इस मूवी को बॉयकॉट ना करें और मूवी देखने ज़रूर जाएं, तो ये मूवी के लिए आमिर खान के टोन में एक चेंज आया है। उससे पहले उनका एक अलग सा बिहेवियर था, हम उसके बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस मूवी को लोगों ने क्यों कहा बॉयकॉट करने का, और भी बाकी बातें हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं और इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके सामने रखूँगा एक आमिर खान का वीडियो जिसमें वो क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। लगता है कि ये एक डेमोक्रेसी है और हर आदमी को अपना अपने विचार सामने रखने का अधिकार है, तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए, तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। सो आमिर खान, तो ये पीके के समय की उनकी एक इंटरव्यू है यहाँ पे, और उसने ये बात कही थी, क्योंकि पीके के समय भी बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी, बहुत सारे हिंदुओं की तरफ से ये बात कही गई थी कि पीके में भावनाओं को आहत करने का, भावनाओं को घात करने का बहुत सारा ऐसा ऐसे सीन्स हैं जिसको जिन पे ऑब्जेक्शन थी, लेकिन फिर भी वो एक जो मूवी थी वो बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी। उन्होंने उस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़े थे, इस कारण आमिर खान का उस समय का जो टोन था वो आप देख सकते हैं। इसी तरह लाल सिंह चड्ढा की नेक्स्ट लीड जो है, मतलब एक्ट्रेस जो है, वो है करीना कपूर खान, और उन्होंने क्या बोला है ये भी हम देखते हैं। तो ये इंटरव्यू है उनका बरखा दत्त के साथ, जो कि एक नामी ग्रामी जो है वो जर्नलिस्ट कहलाई जाती है भारत की, तो उनके साथ ये इंटरव्यू में आप देख सकते हैं। Easier start, you'll definitely get more doors to open, but if the audience doesn't like you, there's nothing you can do about it. The audience has made us, nobody else has made us. The same people pointing fingers is also, they are only making these nepotistic stars. Na, aap ja rahe ho na film dekhne, to mat jao. Nobody has forced you. So I don't understand where this, it's just like, I just find this whole discussion is completely weird. The idea. To in dono lead actor and actress jo Lal Singh Chadda ki mein hai, unhone ye baat kahi hai ki aapko agar movie pasand nahi hai, तो आप बॉयकॉट करें, तो इसीलिए लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो कारण रहे हैं वो बॉयकॉट के क्या रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आमिर खान एक सीरियल ऑफेंडर रहे हैं इस मामले में, और हिंदुओं पे उन्होंने काफ़ी बातें पहले भी की है और बाद में भी करते आए हैं, और उनका एक डबल स्टैंडर्ड मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात ये है कि 2005 में उन्होंने और उनके साथ बहुत सारे और इस तरह के एक इंटेलेक्चुअल जो इलीट कहा जाता है भारत में, जो समझते हैं कि उनकी जो भी सोच है वो पूरे भारत की सोच होनी चाहिए, तो इस तरह के लोगों ने 2005 में एक लेटर कैंपेन चलाया था अमेरिका के लिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, कि भारत के उस समय के गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको अमेरिका का वीज़ा ना दिया जाए, क्योंकि जो मोदी थे उन पे 2002 के दंगों का ब्लेम डाला जाता था, तो इसीलिए ये लेटर का हिस्सा जो थे वो आमिर खान भी थे। इन्होंने बाद में कैंपेन भी चलाई थी कि जो मोदी है वो प्राइम मिनिस्टर भी ना बने, 2013 की बात है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ये करते आ रहे हैं। उसके बाद जब फना मूवी रिलीज हुई थी उस समय भी उन्होंने ये बातें कही थी कि जो उस मूवी में भी जो है वो एक टेररिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, और जो उस टेररिस्ट को, यानी जिहाद जो कश्मीर में कहा जाता है, सो कॉल्ड जिहाद, जो आतंकवाद वहाँ चल रहा है उसमें वो आतंकवादी का किरदार निभाते हैं और जस्टिफाई करते हैं कि वो आतंकवाद सही है और हमारी सेना ही गलत है।
उसके बाद जो बीजेपी को लेके उनका एक तंज है कि बीजेपी डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट नहीं करती और जो जो गरीब हैं उनके राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करती है। इसी तरह से ये बोलते बोलते फिर एक उनका फेमस स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ और उसमें उन्होंने क्या कहा था ये भी देख लें। For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You know, you feel low. You feel, you know, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. तो यहाँ पे उन्होंने ये बात कही थी, ये 2015 की बात है। उस समय आपको अगर याद हो कि इंटॉलरेंस वाला एक एंटी इंडिया कैंपेन चला था जिसमें ये कहा गया था कि जब से बीजेपी की सरकार मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से, तो भारत में असहिष्णुता जो है यानी असहनशीलता जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, खासकर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। और यहाँ पे जो हिंदू मेजॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा अब अनडेमोक्रेटिक सी हो गई है। तो इस बात को फिर आमिर खान कहते हैं कि वो डिस्ट्रेसफुल है, वो डिप्रेस्ड हैं। उनकी वाइफ उस समय की जो थी किरण राव, वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि भारत का क्या फ्यूचर होगा। यहाँ पे वो अखबार खोलने से डर रही थी। लेकिन अगर आप देखें तो इसी वीडियो में आगे एक है कि जब मंगल पांडे रिलीज हुई थी तो इनको इनवाइट किया गया था पाकिस्तान, और वहां पे उन्होंने क्या कहा था उनके लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं इस पाकिस्तान में आप? बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है, राइट। मैं जब से मैंने कदम रखा है यहाँ लाहौर में, इतने प्यार से लोग मुझसे मिले हैं, और खास करके आज मुझे खुशी महसूस हो रही है आप सबके बीच होकर। I would like all of you all to give a round of applause for everybody here, because everybody here is supporting such a great cause, and I am very happy to be here amongst all of you. तो यही मैं double standard की बात कर रहा था इसमें, जो कि आमिर खान का एक सीरियल ऑफेंस चला आ रहा है काफ़ी दिनों से। उससे पहले भी अगर आपको याद होगा कि एक शो आता था टीवी पे आमिर खान के द्वारा, उसका नाम हुआ करता था सत्यमेव जयते। तो उस शो में भी उनके तरफ से ये बात, मतलब इस तरह की पॉइंट्स उठाए जाते थे जो जनरली हिंदुओं के कस्टम्स, हिंदुओं के रिचुअल्स, हिंदुओं के ट्रेडिशंस, हिंदुओं के देवी देवताओं के खिलाफ, यानी या फिर इवन कि त्योहारों के भी खिलाफ होते थे। तो उसमें ही एक प्रोपेगेंडा वीडियो मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ, ये भी देख ले। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी, मगर राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा जी। कि तू नीचे है, रक्षा तेरी ये करेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है करवा चौथ का त्योहार। अब करवा चौथ औरत रखती है ताकि मेरे पति को कुछ गलत ना हो जाए, उसको लंबी उम्र लगे, उसे लंबी उम्र लगे। अगर यही सोच है तो फिर अमेरिका के सब पतियों को तो मर जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि करवा चौथ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है रक्षाबंधन का और करवा चौथ का, और कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पे ये मनाया नहीं जाता तो इसीलिए वहाँ पे लोग खुश हैं। तो ये तो अजीब सी बात है, हम देखने को यहाँ पे लगता है कि जो ब्रिटिश चले गए, जो अंग्रेज चले गए, उसके बाद भी वो मानसिकता जरूर यहाँ पे अभी भी रही है कि हम अभी भी असभ्य हैं और हमें बिल्कुल ही वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगर अमेरिका में 50% डिवोर्स रेट है और वहाँ पे 70% जो हाउस होल्ड है जहाँ पे सिंगल पेरेंटहुड है, मतलब सिंगल मदरहुड है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो स्टैटिस्टिकली कहें तो वो बिल्कुल ही एडवांटेज में रहते हैं सोसाइटी में। उनका जो मार्गदर्शन है वो बिल्कुल गलत रहता है। वहाँ पे मास शूटिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। जो टीन्स होते हैं, जो कि नवयुवक होते हैं, वो जाके स्कूल में
सूट कराते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी वहाँ पे भी समस्याएं चली आ रही है। वो कोई ऐसा स्वर्ग वाला ये नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर आप अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ही आप स्वर्ग में हो, तो वहाँ पे फिर आपका जो और भी बहुत सारी विकृतियाँ हैं। तो ये कहना कि हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करेंगे तभी हम सभ्य होंगे, ये बात गलत है। भारत का अगर इतिहास देखें तो हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे तभी कहा जाता था। हमारा विज्ञान भी बहुत ऊपर था, हमारे जो भी आर्टिस्टिक अगर देखें तो वो रिलीजन के साथ, हिंदुइज्म के साथ बिल्कुल ही अटैच थे, बहुत ही इंटरट्वाइंड थे। अगर योगा भी देखें तो योगा भी हमारे हिंदुइज्म का ही हिस्सा है, हमारे पद्धति का हिस्सा, हमारे जो भी वर्शिपिंग मैनर्स है, मैनरिज्म है, उसका हिस्सा है। ये सब तो भारत में हुआ है, तो हम कैसे असभ्य हो सकते हैं? तो यहाँ पे इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये तो आप कहेंगे कि ये तो पुरानी बात है, लेकिन अभी आप देखें तो नसीरुद्दीन शाह की जो वाइफ हैं उन्होंने अभी लेटेस्ट ही एक स्टेटमेंट बोला है कि करवा चौथ भारत में क्यों मनाते हैं, ये रिग्रेसिव है। तो इस तरह की बातें बस हिंदुओं के लिए, नसीरुद्दीन शाह की वाइफ कभी ट्रिपल तलाक के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, उन्होंने कभी हिजाब के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन बस हिंदुओं का, क्योंकि हिंदुओं में एक प्रवृत्ति कहें कि हम उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि हम बार बार जाके सड़क पे दंगा फसाद करें। और ये हम चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन को मानते भी हैं, संविधान को मानते हैं, और इसीलिए हम उस तरह की बिहेवियर हमारे में नहीं है टेंडेंसी। और लेकिन अगर हम अपना राइट इस्तेमाल करें तो ये बॉयकॉट वाला जो है वो डेमोक्रेटिकली, वो प्रजातांत्रिक हमारा एक अधिकार है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये यही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे उस समय की बात है कि उस समय मीडिया का एक टोटल कंट्रोल हुआ करता था, सोशल मीडिया उतना ये नहीं था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, और लोगों में जो उनको बोला जाता था लोग वही बिलीव करते थे, क्योंकि हमारी जो स्कूल की सिस्टम थी, जो हमारा करिकुलम था, उसमें भी यही सब बातें लिखी हुआ करती थी कि हिंदू में ही सारी विकृतियाँ, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हिंदू एक समुदाय है जो सबसे ज़्यादा अनपढ़ है, जो सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंट है, जो सबसे ज़्यादा सैवेज है। तो इस तरह की बातें उस समय होती थी, लेकिन अब जाके चूंकि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है और लोगों को पता चल रहा है कि सच्चाई क्या है, जो बोला जा रहा है वो सच्चाई है, जो हमारे एलिट्स हमें सुनाते हैं, हमारे जो एकेडमिक्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल, जो फिलोसोफर, जो फॉरवर्ड थिंकर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, वो सही होते हैं या रियलिटी कोई और है, तो वो अब देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अब चूंकि लोग जागरूक हो रहे हैं और अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह की मूवीज़ को भी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। एक और उसका एक मैं हिंट दे दूं, ये थग ऑफ हिंदुस्तान के समय 2018 की बात है, जिसमें आमिर खान ने एक बात कही थी जो आपको सुननी चाहिए। बनी थी पीके, काफी कुछ समझने और देखने को मिला, और ऐसे हिस्से को आपने एक्सप्लोर किया जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। असर सवाल आपसे ये है, क्या पूजा पाठ करने के लिए किसी जगह पर जाकर के या इबादत करना या नमाज पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है? और मेरा सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर के सुनवाई है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी फिल्म आई थी और आपने बहुत अच्छे मैसेज दिए थे उस फिल्म से। I would actually request that we use this forum to talk about thugs of Hindustan. No, I request you, ma'am, please let him speak. No, I'll tell you why I won't speak, because हमारी फिल्म रिलीज पर है। मैं कुछ भी बोल दूंगा मेरी फिल्म रुक जाएगी, मैं कुछ भी बोल दूंगा मेरी फिल्म रुक जाएगी। एक फिल्म बनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जेम ऑफ बॉलीवुड है, इसको आप जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड में क्या क्या चल रहा है और वो किस तरह से हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हमें मूर्ख बनाते हैं। तो आप ये जरूर फॉलो करें इस हैंडल को, जेम्स ऑफ बॉलीवुड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो बॉलीवुड को एक्सपोज देखना चाहते हैं, क्या वो किस तरह से हमें मतलब जबरदस्ती से एक अलग तरीका का भारत दिखाना चाहते हैं, वो आप जरूर ये हैंडल फॉलो करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी जैसे जो मैंने कहा कि एक हिंट दे दिया था आमिर खान ने, कि अब उनका जो पुराना वाला तरीका था कि कुछ भी बोल देते थे, उसके कारण जो भी है वो फिर भी उनकी मूवी हिट हो जाती थी, अब वैसा नहीं चलने वाला है। और थग ऑफ हिंदुस्तान बहुत बड़ी बजट की एक मूवी थी, लगभग 300 करोड़ की मूवी थी,
और उस समय ये नहीं चाहते थे कि रिस्क लेना, और इस वजह से उन्होंने कहा था, उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका जो कहना था वो जो हिंदुओं के लिए उस समय बहुत ही बड़ा एक केस का फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो था राम जन्मभूमि वाला केस, तो इसीलिए फैसला आ चुका था और वो हिंदुओं की भावना को आहत, मतलब आहत क्या, वो तो कर ही देते, लेकिन उनकी मूवी आनी थी इसीलिए वो ये नहीं कहना चाहते थे। तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मतलब हम वो उन्होंने गलती की है पहले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो बस टाल गए। लेकिन फिर भी थग ऑफ हिंदुस्तान मूवी फ्लॉप कर गई, 350 करोड़ के लगभग की है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि उनका 300 करोड़ का अगर बजट है तो साथ में एडवर्टीजमेंट और बाकी जितने भी प्रमोशन में खर्चा होता है तो 50 करोड़ कोई ज़्यादा कमाई देखने को नहीं मिलती है। अगर कंपेयर करें उनकी पहले जो भी मूवीज आई थी ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन उस समय जो ये मूवी आई उसमें उतना ज़्यादा ये देखने को नहीं मिला। तो अब लाल सिंह चड्ढा का जो है उसकी भी कमाई यहाँ पे आप देख लें, तो लाल सिंह चड्ढा की जो अगर कहें तो पहले यहाँ पे ये देख लें कि थग ऑफ हिंदुस्तान का फिर भी इन्होंने ये बात वहाँ पे उस समय नहीं कही थी, तो फिर भी और हिंदुओं में उतनी जागरूकता उस समय भी आई नहीं थी, तो लगभग 50 करोड़ का ओपनिंग डे उनका हुआ था हिंदी में। लेकिन अगर अब लाल सिंह चड्ढा को देखें तो ये कम्प्लीटली रिजेक्टेड है, ये टोटल 5 दिन की कमाई इनकी 50 करोड़ की है और ये मूवी लगभग 150 करोड़ की मूवी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पिट चुकी है, अब इसका कोई होप नहीं है। हो सकता है कुछ टीवी राइट्स के द्वारा वो किसी तरह से पैसा निकाल ले, लेकिन जो मूवी थिएटर्स हैं वो तो उनका जो है पैसा वो डूब गया है, तो इसीलिए जो जागरूकता है वो ज़रूरी है। और बॉयकॉट आप कर सकते हैं क्योंकि आपका ये डेमोक्रेटिक राइट है, आपको कोई छीन नहीं सकता, आप इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, कोई लॉ अगेंस्ट नहीं है, तो आप ये जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप हिंदू काउज को भी हटा दें, नेशनलिज्म वाला भी जो भी जितना भी है उसको भी अगर हटा कर देखें तो बॉलीवुड की तरफ से इतना ज़्यादा हमें ख़राब जो प्रोडक्ट्स हैं वो परोसा जाता है। आप अगर कहें कि चाइनीज माल आप खरीदने से हिचकिचाते हैं क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, तो क्योंकि वो चीप इमिटेशन होता है किसी और प्रोडक्ट्स का, तो इसी तरह यहाँ पे आप बॉलीवुड की चीप इमिटेशन को क्यों सुपरहिट करते हैं। और बॉलीवुड की मेजॉरिटी जो मूवीज़ होती हैं वो चाहे तो वो हॉलीवुड की मूवीज़ की कॉपी रहती है, डिट्टो कॉपी भी करते हैं, अब वो आज से नहीं है, दशकों से। इवन अमिताभ बच्चन अपने सुपर प्राइम जो उनका जब हुआ करता था, जैसे शोले जो मूवी थी वो भी एक हॉलीवुड की मूवी की कॉपी थी, उसी तरह और भी बहुत सारी मूवीज है सीन्स कॉपी किए जाते हैं, इवन की जो कार होते हैं क्लोथ होते हैं वो सारे कॉपी किए जाते हैं, लेकिन उस तरह का वो बनाते नहीं। फॉर ये जो लाल सिंह चड्ढा है ये भी एक कॉपी है, भले ये एक मतलब लाइसेंस्ड कॉपी है लेकिन ये भी एक कॉपी है, और ये हॉलीवुड की एक बहुत शानदार मूवी है कहा जाता है उसको फॉरेस्ट गंप, उसकी कॉपी है, तो ये तो यहाँ पे अभी इसकी इमिटेशन बहुत ख़राब है। अगर रिव्यूज़ आप पढ़ें तो इसमें ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ कि ट्रेलर देख के, मैंने मूवी देखी नहीं है तो मैं ट्रेलर देख के भी अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो आमिर खान की 3 इडियट्स का कैरेक्टर था उसी में और ज़्यादा मेंटल हैंडीकैप डाल के उस तरह का वो करके अजीब सा एक कैरेक्टर बना दिया गया, तो ये कोई ओरिजिनल कैरेक्टर देखने को नहीं लग रहा है अगर देखें तो। और भी मूवीज़ के साथ म्यूजिक भी कॉपी की जाती है, प्रीतम फेमस है वेस्टर्न मूवीज़ के म्यूजिक के कॉपी के लिए, साउथ कोरिया अगर हॉलीवुड की नहीं तो साउथ कोरिया की मूवी कॉपी कर ली जाती, चाहे रॉकी हैंडसम हो या फिर एक था विलेन है और जहर था, उस तरह की मूवीज़ जो है जो साउथ कोरिया की फेमस मूवीज़ है उसको कॉपी की जाती है। फिर वो नहीं तो फिर एक रेड मूवी आई थी इंडोनेशिया की, उसकी कॉपी की गई थी जिसका टाइगर श्रॉफ वो थे लीड थे, और वो भी
मूवी चली नहीं चली उतना कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन इस तरह मैं बता रहा हूँ कि कोई ओरिजिनलिटी आपको नहीं दिया जा रहा है। अब अगर फॉरेन मूवी कॉपी नहीं करते हैं तो वो साउथ की मूवी कॉपी करने लगते हैं। तो जो सलमान खान की इतनी जो मूवी हुई थी उसमें उन्होंने क्या किया, एक जो साउथ की मूवीज है उसको कॉपी करके आपके सामने पड़ोस दिया, उसमें मसाला गाने वाने डाल के, तो ओरिजिनलिटी बिल्कुल नहीं। और आप जाते हैं उस मूवी को देख के उनको अपना जो एक हार्ड अर्न मनी है वो स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये करते रहेंगे तो इनके बिहेवियर में चेंज नहीं आने वाला। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि बॉयकॉट एक अच्छा मार्ग है इनके बिहेवियर में। इवन कि जो बॉलीवुड है नाम वो भी हॉलीवुड की कॉपी है, हॉलीवुड नाम की। कैलिफोर्निया जो एक स्टेट है, एक राज्य है अमेरिका का, उसमें एक जगह है जिसका नाम है हॉलीवुड। वहाँ पे फिल्म स्टूडियोज और जितने भी फिल्म के क्रूज हैं वो वहाँ रहते हैं, इसीलिए उसका नाम हॉलीवुड रखा गया है। भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है, मुंबई में कोई ऐसी जगह नहीं, लेकिन यहाँ पे बॉलीवुड नाम दे दिया गया। अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन्होंने कहा भी है पब्लिक में कि ये बॉलीवुड के नाम से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, इसका नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री होना चाहिए। लेकिन आप समझ रहे कि फिर भी ये कॉपी है। तो इस तरह की बातें आप देखते हैं और ये सीखने वाले हैं नहीं। आप देखिए ये अर्जुन कपूर जो कि फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, बेसिकली तो नेपोटिज्म के ये प्रोडक्ट हैं। इनके पिताजी बोनी कपूर जो एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर है, इनके चाचा जी हैं जो एक फेमस एक्टर है अनिल कपूर, इनके तरफ से ये कहा गया। एक तरह से मैं कहूँगा, मैं नहीं, लगभग सारे लोग कह रहे हैं कि ये थ्रेटन कर रहे हैं अपने ही ऑडियंस को। अर्जुन कपूर सेज फिल्म इंडस्ट्री मेड अ मिस्टेक बाय बीइंग साइलेंट अमिड बॉयकॉट ट्रेंड्स, वी टॉलरेटेड अ लिटिल टू मच, नाउ पीपल आर यूज्ड टू इट। तो ये अर्जुन कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा है। ये अब मुझे नहीं पता कि ये क्या बोलने वाले हैं, ये क्या किस तरह से ये अपना मतलब इसको जो भी बॉयकॉट लोग कर रहे हैं उसको किस तरह से ये अवॉइड करेंगे या किस तरह से ये करेंगे। इस तरह की थ्रेटनिंग जो बोली है इनकी उससे तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि लोग ये इस तरह के एक्टर अगर इस तरह की बकवास मूवीज बनाएंगे तो फिर लोग तो बॉयकॉट क्या वो ऐसा ही नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं होगी। और उसका एक कारण मैं आपके सामने रखता हूँ, एक कारण एक उदाहरण रखता हूँ आपके सामने। अगर ये एक देखें, ये हैं अनुराग कश्यप जो अपने आप को क्विंटिन टेरेंटिनो समझते हैं भारत के। इनकी एक मूवी बहुत ज़्यादा चल गई थी जिसका नाम था, बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली हिट नहीं हुई थी लेकिन एकेडमिकली और ये क्रिटिकली बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया था, उसका नाम था गैंग ऑफ वासेपुर सीरीज 1 और 2 जो थी। इनका इनकी बातें सुनिए। हम लोग को ना, हमें भी ट्विटर पे ट्रेंड होना बॉयकॉट कश्यप, बॉयकॉट तापसी, बॉयकॉट द वाय, मतलब लिटिल मैन में बॉयकॉट करो यार, मैं कोई बॉयकॉट करो मैं नहीं होता। अगर आमिर खान बॉयकॉट हो सकता है, अक्षय कुमार बॉयकॉट हो सकता है, हम लोग क्या कोई बॉयकॉट करो ना यार, ठीक है व्हाट इज दिस। हां यार हम लोग इतने साल से काम करते हैं दोस्तों, प्लीज ये मेरे दोस्त है, गुजारिश है, रो रहे हैं, प्लीज बॉयकॉट करो, बॉयकॉट दोबारा कर दो इनके लिए, दे आर सो डेस्परेट। पिक्चर देखो ना, देखो हमारा बॉयकॉट जरूर करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये अपने ही जो कस्टमर है जिनको इनको सर्व करना उसका ही मजाक, उसका ही मौकड़ी कर रहे हैं। तो अब जब ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट करें इनकी मूवीज़ तो ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं कि इनकी मूवीज़ जो आई थी अभी हाल में आई है दोबारा, इनकी फर्स्ट डे ऑक्युपेंसी जो है दोबारा, उसका टोटल अगर कहें हॉल में प्रेजेंस ऑडियंस का वो 2-3% ही रहा है। तो 2-3%। और इसके कारण हुआ क्या है कि जो भी ओपनिंग जितने भी शोज थे होने वाले थे उस सारे शोज को कैंसिल कर दिया गया है। और ये पहली बार नहीं है तापसी पन्नू की मूवीज़ के साथ ऐसा हाल, इससे पहले भी एक थप्पड़ नाम की इनकी मूवी आई थी, वो भी आई गई किसी को पता नहीं चला। उसके बाद एक और मूवी आई थी जो जो कि मिथाली राज जो हमारी एक बहुत ही बड़ी आइकन है इंडियन वेमेन क्रिकेट टीम, भारतीय वेमेन क्रिकेट टीम की, उनके साथ उनकी बायोग्राफी बनाई गई थी, वो भी इतनी ख़राब बायोग्राफी थी कि वो भी आई गई कब पता नहीं चला।
तो इस तरह की जो एटीट्यूड कहाँ से आता है, तो ये लोग अपने आप को एक्टर से ज़्यादा अपने आप को रिफॉर्मिस्ट समझते हैं, अपने आप को एक्टिविस्ट समझते हैं, अपने आप को फिलोसफर समझते हैं, अपने आप को जो पूरे भारत का जो एक है कि उनकी जो जो भी सोच है मॉरल कंपास वो अपने आप को समझते हैं। तो ये जैसा समझते हैं भारत को भी ऐसा ही समझना चाहिए, ये इनका विचार है। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ये दीज पीपल आर मेयर इंटरटेनर्स, यू पे योर मनी फॉर इंटरटेनमेंट, ये आइडियल नहीं है, इनको रोल मॉडल ना माना जाए, इनको रोल मॉडल नहीं उस तरह से नहीं देखा जाए। भारत कई सदियों का, कई सेंचुरीज, कई हजारों सालों का की सभ्यता है और उसमें कई बड़े बड़े हीरोज आए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, जो अपने सेल्फ इंटाइटल्ड लोग हैं, इनको आपको फॉलो करके क्या फ़ायदा है, आप अपना खुद का मनी वेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर। इसीलिए ये बात जरूरी है कि हमें जागरूक होने की अब आवश्यकता और भी ज़्यादा है। अगर आपको क्वालिटी चाहिए, मैं काउज की बात भी नहीं कर रहा, अगर क्वालिटी चाहिए तो आपको एक प्रीमियम रखना पड़ेगा अपने पैसों पे कि आप किस मूवी पे स्पेंड करेंगे। तो भारत में कहा जाता है कि भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, जितनी मूवीज़ यहाँ पे आती है, लेकिन मास प्रोडक्शन से क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ये गारंटी बिल्कुल नहीं होती। अच्छी अच्छी मूवीज़ आई हैं, द कश्मीर फाइल्स, लोगों ने उसको बहुत सराहा, उसे उसके साथ एक बच्चन पांडे नाम की मूवी आई थी अक्षय कुमार की, वो मूवी फ्लॉप कर गई, क्योंकि बल्कि बच्चन पांडे एक बड़े स्टार की, एक बड़े बजट की मूवी थी, लेकिन उस मूवी को लोगों ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि क्वालिटी जो थी वो जो मूवी है द कश्मीर फाइल उसमें थी। उसके बाद अभी भी लाल सिंह चड्ढा या दोबारा जो है, इसके अलावा एक मूवी आई है साउथ की कार्तिकेयन 2, जो कि बहुत अच्छी कमाई कर रही है, साउथ की मूवी है लेकिन हिंदी में भी वो उनका बिजनेस है, वो काफ़ी अच्छा है। इससे जो पहले अभी RRR मूवी आई थी साउथ की, वो भी बहुत ज़्यादा, पुष्पा, बाहुबली, बाहुबली 1-2 जो आई है, इस तरह की क्वालिटी मूवी जब आती हैं तो लोग ज़रूर देखते हैं और उस पर चाहे वो किसी भी भाषा में हो वो लोग ज़रूर देखते हैं, बहुत ज़्यादा हिट होती है। तो इसीलिए क्वालिटी ऑलवेज ट्रायम्फ ओवर क्वांटिटी। तो जैसे मैंने कहा कि मैं इस बॉयकॉट का मतलब सहमति हूँ, मैं मेरे तरफ से सपोर्ट है बेसिकली। अगर काउज पे भी ना जाऊँ, काउज में भी मेरा रहेगा, लेकिन अगर काउज पे भी ना जाऊँ तो एज अ फिल्म व्यूअर, एज अ ऑडियंस, आई वांट समथिंग दैट इज ऑफ क्वालिटी, दैट इज ऑफ सब्सटेंस। तो इसीलिए मैं अपने जो हार्ड अर्न मनी है उसको अच्छे प्रोडक्ट पे ही इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो आपको आज की बात कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन है वो भी मुझे ज़रूर लिख के बताएं, और साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।